कि मैडम सोनिया जी अमेरिका जवा माटे 10 वर्ष में 1880 करोड़ रूपया नो खर्चो करे। आपने गुजराते पण संकल्प करवानो छे कांग्रेस ना लोगों ने कि हमारा गुजरात नहीं देंगे। भयंकर भ्रष्टाचार कांग्रेस ने डिसाइड ले, परिवारवाद कांग्रेस ने डिसाइड ले। भाइयों बहनों हमारा सोनिया बहना है हमने है नो चमकारो आयो कि हिंदुस्तान में विकास कोई राज्य नो थयो होय तो राज्य नो नाम गुजरात। He may be 62, but when it comes to using new age tools of communication, no one does it better than Narendra Modi, the Gujarat Chief Minister. Say for instance, we are looking at his Twitter account right now, and just about an hour ago, Narendra Modi has tweeted about addressing people using the 3D projection technology across 26 places in Gujarat. But who are these people who are behind this Twitter account? Who are the people, that faceless army that makes his website work? You know, whether it's regional, whether it's local, whether it's national or international, expect a tweet from Narendra Modi every time. जब 85 में भी मैंने उनको देखा है तो जब से आए हैं तब से वो डिजिटल डायरी से लेके कंप्यूटराइज ये उनका आदत रही है। अच्छा, ग्राउंड रियलिटी के साथ जुड़ने पर भी टेक्नो से भी रहे हैं। सीएम मुख्यमंत्री बने तो उसमें से आप देख सकते हैं कि 18,000 गांव में ई ग्राम है, तो किसी भी सरपंच सीएम साहब को डायरेक्ट स्वागत ऑनलाइन में अपनी कंप्लेन कंप्यूटर के माध्यम से कर सकता है। दूसरा, ई धारा जो है वो भी उन्होंने सब लैंड रिकॉर्ड वो ई धारा में उन्होंने किया है। दूसरा, ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है सालों से वो करते हैं, कलेक्टर डीडीओ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं। एजुकेशन में भी उन्होंने बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट करने के लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से पूरे गुजरात में उन्होंने अच्छी तरह से एक कम्युनिकेशन रिलेशन बांधा है। तो जब भी आए तब से वो सरकार हो या पार्टी हो, पार्टी में जब ऑर्गेनाइजेशन में थे तब कंप्यूटराइज रिकॉर्ड किया, आज मैं प्रदेश संगठन इंचार्ज हूँ, तो पूरा मेंबरशिप ड्राइव हो उनकी मार्गदर्शन से हमने पूरा का पूरा बूथ कमिटी से लेके अपनी प्रदेश कमिटी हमने फोटो के साथ कंप्यूटराइज किया है। तो आज प्राइमरी मेंबर 38 लैक्स है गुजरात में और 1,35,000 एक्टिव मेंबर है, तो सबका रिकॉर्ड जो है हमने कंप्यूटराइज किया है। तो नरेंद्र भाई का एक ग्राउंड के साथ जुड़ना और टेक्नो सेवी, ये अपने आप उसका स्वभाव था। आप देखते हैं कि उन्होंने सद्भावना मिशन कार्यक्रम किया, पूरे दिन पब्लिक के साथ रहे, 33 डिस्ट्रिक्ट में 33 दिन। बाद में विवेकानंद युवा विकास यात्रा किया तो पूरा गुजरात का परिभ्रमण किया। The moment you hear Gujarat, you think Narendra Modi, you don't think any other leader. And partly it's the failure of parties like the Congress who had a base in Gujarat, which they have over the years allowed to be destroyed for various reasons. So in the context of Gujarat, brand Modi helps Narendra Modi. Be for Vishwas. Be for Vishwas. Be for Vijay. अब जो चुनाव के दरमन जो कर रहे हैं तो उन्होंने अभी जो होलोग्राफिक प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी होती है विश्व में फर्स्ट टाइम गुजरात ने ये प्रयोग किया है। गुजरात डेवलपमेंट में ही आगे है और ऐसे टेक्नोलॉजी में भी आगे, ये प्रस्थापित करने का हमारा प्रयास है। आप SMS दीजिए, वॉइस मेल ले लीजिए, अपनी वेबसाइट जो है बीजेपी की वेबसाइट और नरेंद्र भाई की वेबसाइट, आज सबसे ज्यादा फॉलोअर्स अगर पॉलिटिक्स में किसी को भी मिलता है तो नरेंद्र मोदी को मिलता है। हमारी बीजेपी वेबसाइट जो है उसमें अभी हर डेली 5,000 लोग ज्वाइंट होते हैं, अभी तक हमने 15 लाख
कवर किया, 15 लाख लोगों ज्वाइंट हुए हैं। हमारी बीजेपी एड जो है एक वीक में 2 लाख व्यूज मिले हैं। नरेंद्र मोदी का अपना जो फेसबुक है वो फेसबुक में 12 लाख से भी ज्यादा अभी फॉलोअर्स है, ट्विटर में भी इतने ही फॉलोअर्स है, 11,60,000 के आसपास। तो जो भी उन्होंने पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी के माध्यम से जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंचे हैं। ट्विटर एंड हिज पर्सनल वेबसाइट आर ओनली टू डायमेंशंस ऑफ नरेंद्र मोदी टेक सेवी वेज एट इमेज मैनेजमेंट एंड नाउ देयर सीम्स टू बी अ थर्ड डायमेंशन दिस इलेक्शन सीजन। मोदी हैज एडेड दिस लेटेस्ट ट्विस्ट टू हिज कैंपेन दैट ऑफ बीइंग ओमनीप्रेजेंट यूजिंग अ 3D प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी बाय व्हिच ही कैन एड्रेस मल्टीपल लोकेशंस इवन एज ही सिट्स इन गांधीनगर। आई हैव कम टू वन सच 3D ब्रॉडकास्ट लोकेशन टू हैव अ क्लोजर लुक एट दिस इमेज मेकओवर टूल। He is an astonishing brand manager. I think every management school should study the way he has actually managed brand Modi. Because I really think that Harvard Business School people could learn a thing or two. That is what terrifies me, worries me. That is what I'm fighting. It could be Modi, it could be anything else. He has just made a brilliant job of it. He does not even deign to answer an authority like CAG. You know, that is the self-importance that he gives himself. That's why I said he's the best brand manager that the world probably ever has had. You know, the chief minister, he himself does the tweets, he himself does the blogs, the Facebook posts, because he is really sort of a tech-savvy person, and he has always been, he has this vision for, you know, how to use the technology. The technology is there, but, you know, it's important to, you know, go in the right hands. So he has this thing to use the technology in the right manner. So he thinks this social media platforms, Twitter, Facebook, as a platform wherein he can connect to the normal people, wherein he can connect to the citizen. He gets to the real feedbacks, real comments from these guys, and he has got more than 11 lakhs followers on Twitter, which is if you look at the social media scenario, he is the leading politician if you look at the followers that he has. He has got almost 20,000 registered subscribers on his YouTube channel. He's got more than 37 lakhs YouTube views for whatever videos that he uploads, his speeches, his events, whatever rallies that he does, all the government projects videos. So he's got more than 37 lakh YouTube views. And recently he did the Google Hangout session, which was a very innovative way of connecting with the youth, connecting with the people, wherein youth could ask him any question that they may feel like, and he would be he was supposed to reply to them. He's not only sort of putting facts or data on the Facebook account, but he also responds to those comments, that feedback that he got. A lot of cases that we've heard that, you know, a lot of time people have just put their numbers, their cell phone numbers or some of the numbers on the comment, and then they have received, within few days they have received calls from him, which was really surprising for them. They never expected, they thought that this is the first time some politician has responded to their comments.